दोनों के साथ जो है बदतरीन सलूक किया जा रहा है। तो इस हवाले से जो हम ये महसूस कर रहे हैं कि इस पर हम खामोश नहीं रह सकते, ये जुल्म और जाति बंद होनी चाहिए। हुकूमत बड़े बुलंदोबांग दावे करती है कि वहाँ यहाँ पे हर किसी को बात करने की इजाजत है। कुछ दिन कबल ही आपने देखा कि बयानात भी आए कि भाई आप अपनी एक्टिविटीज कीजिए, लेकिन क्या वजह है कि हम पर बार बार पाबंदी आयद की जाती है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जामे मस्जिद को सील किया जाता है, हुर्रियत पसंदों के घरों पे छापे लगाए जाते हैं, हमारे वर्कर्स को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है। तो ये जो हुकूमत का इस वक्त एक इंसानियत सोच हम कहेंगे कि जो चेहरा सामने दुनिया देख रही है, आज हम आलमी बरादरी से, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से, हमने जो है वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी जो बाज़ाब्ता एक पिटिशन दी, हमने ICRC यासीन साहब एक डेलीगेशन लेकर गए, उनको हमने जेलों की हालत बताई, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई डेलीगेशन उन जेलों में नहीं गया है ताकि वो उनकी हालत ज़ार जो है वो देख सके। तो इसलिए हम इस बात पर भी कह रहे हैं कि हम एक सॉलिडारिटी डे मनाएंगे, 27 जो नवंबर है उस दिन मुकम्मल हड़ताल होगी, मुकम्मल एहतजाज होगा, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त 10वीं और 12वीं क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसकी वजह से जो हमने थोड़ा सा इसको मुअख्खर किया है, लेकिन हम हुकूमत को ये मुतनब्बह करते हैं कि जो हमारे जो हमारे पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके साथ इंसानी सलूक किया जाए। लेकिन ये कह रही हैं कि ये एजिटेटर है, ये वही इस्तेमाल कर रही है जो RSS की जबान है, हालांकि RSS वालों ने भी जबान इस्तेमाल नहीं की जिस जो बदतरीन जबान इसने इस्तेमाल की, लेकिन हम RSS वालों को इस नामयात कठपुतली इंतजामिया को, दिल्ली वालों को ये बात बताना चाहे, इस तमाम जुल्म और जबर के बावजूद यहाँ कोई सरेंडर करने वाला नहीं है। ये कौम इस तहरीक आजादी को जो इस वक्त इतिहाद है, सईद अली शाह गिलानी साहब, मीरवाइज उमर फारूक साहब और JKLF के दरमियान, इंशाअल्लाह हुकूमत हिंदुस्तान सिर्फ इस इतिहाद को तोड़ना चाहिए। इंशाअल्लाह हमने ये फैसला किया है कि इस इतिहाद को न सिर्फ चलाएंगे बल्कि जो लोगों पे बीत रही है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे अपने जान की बाजी लगाकर। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन।